महीने बेहतरीन मैं देख रहा, मैं डाउट में हूँ मेरे पर रेस लग भी सके नहीं भी लग सकती, वो ज़्यादा मेहनत करो ठीक है। अजी से ज़्यादा अपने में कॉन्फिडेंस है पहला, मतलब बेस मारू भाई हल्का और तो मजी पी पीछा वो और बढ़िया करो भाई, क्यों हमेशा और कॉन्फिडेंस में ही रहो ठीक है। बढ़िया तो बढ़िया लड़का रह जा, पीछा नंबर फंस जाओ, बीच में नंबर फंस जाओ, क्या पता कहाँ नंबर आ रहा ठीक है। तो भाई जो टीए में सिलेक्शन होया जो लदवाड़ी से है मोनू नैन, वो लड़का भी आ रहा है। इस लड़के की टाइमिंग भाई सारे ट्रैक की जब हम मैथ कर रहे जाट को ही मैं 4:34 और 86 माइक्रो सेकंड थी, इसके लिए जोरदार कलर दो। जिसने इसे पढ़ाई में पास करवा टेस्ट में पास करवा फिर भी हाँ इसके इसके गुरु जी आ रहे, मैं और सौरभ भाई से इसका माड़ा गेर का भाई का स्वागत करेंगे। तो जोरदार कलेक्टिंग करें कोई भी ना जाना यहाँ से दिखाई। एक टाइम इसका ऐसा भी आ गया था जो मन कर लगा था घोड़ी बैठ नहीं सोच लूँ भाई सिलेक्शन में होना चाहिए, अब देखो मैं कितनी मेहनत बाबूगढ़ जो भर्ती हुई थी मेरा तैयार हो गई, उसमें हमारे ग्रुप के दो लड़के थे, एक आसिफ डोरा एक प्रिंस मीतली। ये आसिफ डोरा लड़का भाई टेस्ट में रह गया, जो क्वेश्चन इतना प्लस अपने जोड़ रखे थे जो सही लगा रखे थे इसके भाई के, क्योंकि पहरा भी मैं अलग गलत थी इसलिए इसका उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। दो बार ये लड़का फाइनल में तैन की कर आ चुका है, लेकिन फिर दोबारा प्रयास कर रहा, फिर थारे बीच में है प्रैक्टिस कर रहा ठीक है। और जिसका सिलेक्शन आया वो है प्रिंस मीतली। जो बाबूगढ़ भर्ती हुई थी मेरठ यारों की, उसमें सिलेक्शन होया था भाई का जीडी में प्रिंस है। इसकी टाइमिंग थी 4:54 की रेस दौड़ा, 4:54 की ठीक है। जब यू आया इस पर स्टेप भी चलाने नहीं आया, बिल्कुल जीरो खत्म। वो इसका भाई है चांद, इसके ताऊ चचा पर एक ताऊ का लड़का है, वो बता देगा जब इसे लेकर आया क्या था, कुछ भी नहीं था। अगर कभी हरे बीच में तक बन गया ठीक है। मेरे ग्रुप का जब तक मैं ग्राउंड पर मेहनत करवा लगा इतना सीधा लड़का मेरे पास, अब लोग तो आ जाए आप कहा जाओ पता नहीं भाई। इसके लिए कोई भी कंजूस पड़ा ना करियो क्लैपिंग करने में, ये लड़का बहुत ही सीधा ईमानदार और बहुत ज़्यादा मेहनती ठीक है। इस भाई का भी सिलेक्शन हुआ शुभम हिलवाड़ी। जो भर्ती आई थी तब उसकी मेरिट लगी थी इसके साथ ही, मेरठ यारों के साथ ही बरेली यारों की मेरिट लगी थी, उसमें इसका सिलेक्शन आया। तो इसके लिए अभी भाई जोरदार क्लैपिंग करें। देखो तो ये भर्ती होया 4:56 की रेस दौड़ के ट्रैक पर ठीक है। और ब्रोथ में भी रेस इतना पाँच की टाइमिंग थी जब रेस निकाल दी थी, उसमें भी कहीं मैं एकदम मेडिकल में रह गया था उसमें नौकरी में। पूरा जोरदार कलेक्टिंग।
परसों कह रहा हूँ कि भाई अम्मा मेरा टाइम नहीं लगा। तो इन चार लड़कों का सिलेक्शन हुआ, तीन तो थरे सामने आए थे। तो तुम जानते होंगे ये लक्ष्य कोचिंग सेंटर के टीचर है। बस ये कहन कह रहे हैं मुझे जब भी हरे गुरु में कुछ भी प्रोग्राम हो मुझे जरूर बुला करो। मैं बहुत ही भाई जब अच्छा हमारे यहाँ से हो तो बहुत ही खुशी में इन्वॉल्व होना चाहें। और आप लोग मेहनत कर रहे और भाई ऐसे मेहनत करो खूब। और अगर ये मेरे पास पढ़ा, इसने ट्रैक पर तो मेहनत करी, इसका जो TMF का नंबर आया वो केवल 15 दिन की पढ़ाई में नंबर आया, लेकिन उस 15 दिन में इसने इतनी मेहनत करी जो आदमी 6 महीने में करता हुआ। जब इसे 3 दिन सो हो गए मैं सू कह मगर सो जाएगा मरेगा के आँख इतनी मोटी मोटी हो गई थी। वास्तविकता है उपेंद्र भाई का, नहीं वाक में मेहनत करी ने, बहुत ज़्यादा मेहनत करी। कमरा लेके अल्लाह भाई जो मैं सो गया तो मुझे नींद आ जाएगी और फिर मैं तड़ी नहीं उठूँगा। इस वजह तो मैं सोता नहीं, न रात को सोया ना दिन को। आप नु देखो जो आदमी 72 घंटे लगातार सोया ही ना हो, लेकिन ये दिख रहा था इसके बाद कुछ है नहीं। कुछ है नहीं यार, भर्ती लास्ट मान ली थी भाई। अब ये देखो अभी कितना ही सो लिया चाहे, पर वे 15 दिन के वसूल हो गए। होए नहीं होए तो फिर चुप खड़े हम तो कह रहे हैं हाँ होए। तो भाई किसी भी चीज़ के लिए जुनून होना जरूरी है। जब ट्रैक पे यहाँ दौड़ रहे जब तक मन में अंदर तक आवाज नहीं आने की ना, करना तो करना, वर्कआउट कैसा भी करा भाई करना तो करना। हार्ड सा वर्कआउट अब तुम जवान लेट तो क्या करता है आज इतने मारो का पता नहीं चलने का 4 राउंड का कितने बालक भाग रहे। पीछे से को नंबर आ जाए वो तो नहीं कहूँ जा बार बार, फिर मेरा तो नंबर ही पीछे आ गया। पीछे आ गया तैयारी पीछे मान का करो। एक लड़का ग्रुप में पीछे मान का